हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्ठिका क्या होता है। नेक्स्ट आज जो अपने पास टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, वो टॉपिक है सात क्रिस्टल समूह। ठीक है, इन सात क्रिस्टल समूहों को समझने से पहले अपने दोबारा से एक छोटी सी बात पे गौर करते हैं। वो क्या है कि जैसे हमने ये एक यूनिट सेल बनाई थी, इकाई कोष्ठिका हमने इस तरीके से बनाई थी। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो इकाई कोष्ठिका के भुजा, इसको ए बी और सी, ए बी के बीच में गामा कोण, बी सी के बीच में अल्फा कोण और सी ए के बीच में बीटा कोण, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। देखिए, ये एक यूनिट सेल है, इसके अंदर ये जो भुजाएं हैं, अक्षीय भुजाएं जिनको हम बोलते हैं ए बी सी, और ये जो अक्षीय कोण है अल्फा बीटा और गामा, ये सभी इकाई कोष्ठिकाओं के अंदर बराबर होने आवश्यक है या नहीं? तो नहीं, इनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि ये अक्षीय भुजाएं और अक्षीय कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हो। तो इनकी अक्षीय भुजाओं और अक्षीय कोण के बराबर नहीं होने के आधार पर जो इकाई कोष्ठिका है उसको सात ग्रुप के अंदर बांट दिया गया, जिसको हम बोलते हैं सात क्रिस्टल समूह। तो देखिए, वो क्रिस्टल समूह कौन कौन से होते हैं, साथ में याद करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे लिखते हैं अपने क्रिस्टल समूह का नाम, यहाँ पे लिख देंगे क्रिस्टल समूह का नाम। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अक्षीय भुजाएं, भी अक्षीय भुजाएं कौन कौन सी होती है और उनकी उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे लिखेंगे अपने अक्षीय कोण। ठीक है, तो इनको लिख देंगे अपने यहाँ पे अक्षीय कोण। और अगर हम उदाहरण लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, तो अपने सात क्रिस्टल समूह कौन कौन से होते हैं, पहले मैं उनके नाम बताता हूं और आप एग्जैक्ट नाम याद रखना, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी फॉर्म के अंदर कंटिन्यू याद रखना। तो पहला जो क्रिस्टल समूह होता है उसका नाम होता है घनीय क्रिस्टल समूह। दो नंबर पे आप याद रखना एग्जैक्ट इस चीज को, जिस सिक्वेंस में मैं लिख रहा हूं उसी सिक्वेंस में आपको याद करना है। दूसरा है द्विसमलम्बाक्ष। तीसरा है विषमलम्बाक्ष, चौथा है एकांताक्ष। पांचवा जो अपने पास आएगा वो आएगा त्रिनताक्ष। छठा जो है वो है षटकोणीय, और सातवां जो क्रिस्टल समूह आता है अपने पास वो आता है त्रिसमंताक्ष। ठीक है, तो ये सात क्रिस्टल समूह है। अब देखिए एग्जैक्ट इनको याद रखना, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद करने। देखिए, पहली चीज यहाँ पे घनीय की आती है, घनीय के अंदर अक्षीय भुजाएं होगी वो ए बराबर बी बराबर सी होगी, यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी। द्विसमलम्बाक्ष, देखो नाम से पता चल रहा है द्वि दो सम समान, यानी दो भुजाएं क्या होगी इसकी, समान होगी और तीसरी समान नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विषमलम्बाक्ष, मतलब कोई भी इनकी भुजा आपस में समान नहीं होगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सेम एकांताक्ष के अंदर होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। त्रिनताक्ष के अंदर भी सेम कंडीशन होगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और षटकोणीय के अंदर ए इजिकल टू बी नॉट इजिकल टू सी, और त्रिसमन के अंदर त्रि
तीनों सम समान, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी। देखिए आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे पहली भुजा ए बी और सी तीनों बराबर है, इसी सीक्वेंस के अंदर आप देखिए त्रिसमांतर के अंदर ए बी और सी, यानी पहली और सातवीं भुजा क्या है, बराबर है। इसी तरीके से आप देखोगे तो दूसरी और छठी एक सीक्वेंस में अगर याद रखोगे तो सेम है और बीच की तीनों सेम है, ये याद करने का तरीका है। तो अक्षीय कोण अगर हम लिखें तो घनीय के अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और सभी बराबर होते हैं किसके, 90 डिग्री के। सेम यही एंगल आएगा इसके अंदर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और ये 90 डिग्री के। इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर और तीनों बराबर 90 डिग्री के। अब आपको ध्यान रखना है एकांताक्ष ए का जो बीटा कोण है, बीटा एंगल है, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू बीटा 90 डिग्री। देखो याद कैसे रखोगे, ए बी यानी एकांताक्ष के अंदर बीटा कोण 90 डिग्री, अल्फा बराबर गामा और बराबर 90 डिग्री, ये याद रखना। त्रिअंताक्ष के अंदर कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट आता है षटकोणीय, तो षटकोणीय के अंदर याद रखना गामा जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा, गामा कोण होगा वो कितने का होगा, 120 का, और अल्फा और बीटा जो कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। त्रिसमांतराक्ष के अंदर वापस से वही बात, तीनों एंगल समान होंगे लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो देखिए घनीय के अंदर और त्रिअंताक्ष के अंदर क्या डिफरेंस आया, सिर्फ यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर हम द्विसमलंबाक्ष की और षटकोणीय की भुजा देखें तो दोनों की भुजा बराबर है लेकिन दोनों के एंगल में कहाँ पे फर्क आया, गामा, और ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एकांताक्ष का जो बीटा कोण है वो 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर षटकोणीय का जो गामा कोण है वो 120 का होगा। और बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चीज़ें अधिकतर पूछी जाती है, एक तो द्विसमलंबाक्ष, एकांताक्ष और एक षटकोणीय, ये तीन चीज़ें पूछी जाती है। एक दो बार आप इस इंडेक्स को बना के देखोगे अपने आप एग्जैक्ट चीज़ें याद हो जाएगी, कंटिन्यू जिस सीक्वेंस में मैंने बनवाए हैं उसी सीक्वेंस में याद रखना। उदाहरण की बात अगर अपने करें तो कोई भी बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी भी आपको ये नहीं पूछेंगे कि षटकोणीय के दो उदाहरण बताइए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे फिर भी मैं अगर बता दूं तो NaCl हो गया, इसके अंदर HgCl हो गया, Au हो गया, इसी तरीके से अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे इसका हो गया श्वेत टिन हो गया, SnO2 हो गया, वो चीज़ आप लिख सकते हो, TiO2 हो गया। विषम लंबाक्ष के अंदर एक विषम लंबाक्ष गंधक सल्फर को बोलते हैं, ये अपरूप होते हैं सल्फर के, विषम लंबाक्ष सल्फर, एकांताक्ष सल्फर, ठीक है ना, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। जैसे षटकोणीय का हो गया ZnO हो गया, CdS हो गया, HgS हो गया, HgI हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए, षटकोणीय के, जिसके अंदर एक ग्रेफाइट भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप इनके एक दो एग्जांपल अगर याद रख सको तो रख लेना, अदरवाइज कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो देखिए गौर कीजिए, हम इनकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे भी अगर आपसे ये पूछ ले कि घनी है जो क्रिस्टल समूह है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों एंगल बराबर है 90 डिग्री के। तो इसको बनाओगे कैसे, आपके पास स्केल है तो आप उसको भुजाओं को माप कर बना सकते हो, जैसे दो दो सेंटीमीटर की, तीन तीन सेंटीमीटर की, जो आप चाहो। तो पहली चीज़ अपने यहाँ पे घनीय की स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो घनीय की स्ट्रक्चर के अंदर देखिए बेटा दोनों भुजा तीनों भुजाएं बराबर होगी। ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जैसे ए है ये बी है, ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की है,
इसी तरीके से ये भुजा होगी सी, ठीक है। तो ये भुजा होगी ए, ये होगी बी और ये होगी सी। ये एंगल गामा, ये अल्फा और ये बीटा, ये तीनों होगी एंगल। ये भुजा बन गई अपने पास घनीय है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों एंगल बराबर है। देखो इसके अंदर है, अगर आप इस लाइन को यानी बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल अगर सीधा रखते हो ना, तो ये तीनों एंगल किसके होंगे, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे और तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे जब आप इसको बिल्कुल सीधा रखोगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, द्विसमलंबाक्ष की। दूसरे की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं, द्विसमलंबाक्ष, ठीक है। द्विसमलंबाक्ष के अंदर दो भुजाएं बराबर है और तीसरी बराबर नहीं है, तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इस बात से आपका स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी अपने पास क्रिस्टल ग्रुप बनेगा वो बिल्कुल सीधा होगा, ये यहां से डिनोट हो गया। तो देखिए, दो भुजाएं अपने को बराबर करनी है और तीसरी भुजा छोटी करनी है। तो देखिए, जैसे मैं बोल देता हूं ये भुजा ए है और ये बी है, लगभग बराबर लग रही होगी आपको, ये ए ये बी, ए लगभग बी के बराबर है और ये भुजा होगी सी और अल्फा बीटा गामा। ये जो स्ट्रक्चर बन गई वो कौन सी बन गई, द्विसमलंबाक्ष की। अब देखिए, तीसरी जो स्ट्रक्चर अपने बनाते हैं किसकी बनाते हैं, विषमलंबाक्ष की। एंगल तीनों बराबर है तो मतलब बिल्कुल सीधा बनेगा, लेकिन कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अगर भुजा बराबर नहीं है, नाम लिख लेना त्रिसमलंबाक्ष, इसको आप ऐसे बना सकते हो। देखिए, दो भुजाएं ये ए ए बी बराबर नहीं है और तीसरी भुजा को भी बराबर मत करना आप, ठीक है। जैसे ये तीसरी भुजा होगी, ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, त्रिअंताक्ष की बन गई। लेकिन अगली अपने बनाते हैं किसकी, एकांताक्ष की। एकांताक्ष के अंदर देखो, बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपको क्या करना है, जो हमने त्रिअंताक्ष की स्ट्रक्चर बनाई है उसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, एंगल बिगड़ जाएगा। और इस चीज को अपने 3D के अंदर मेजर कर सकते हैं, यानी एकांताक्ष की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है और एंगल 90 डिग्री का नहीं है, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है नहीं है, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इस चीज को अपने इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी बनगी, एकांताक्ष की बनगी। सैम अगर आपको त्रिअंताक्ष की स्ट्रक्चर बनानी है, ये देखो 3D के अंदर मेजर होगी, बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। सेम डिटो लगभग इसी प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, किसकी, त्रिअंताक्ष की, ठीक है। नेक्स्ट अपने बनाते हैं किसकी, षटकोणीय की। तो देखिए, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है षटकोणीय की, बनाते हैं अपने। त्रिअंताक्ष की लगभग इसी के बराबर बनेगी, तो आप ये मत सोचना कि सर बनाई नहीं है, ऐसी ही बनेगी। षटकोणीय की स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए षटकोणीय के अंदर क्या होता है, षटकोणीय के अंदर आप इस तरीके से बनाओगे, ये अपने पास एक षटकोण बन गया, ठीक है। ऐसा ही एक षटकोण नीचे बना देंगे अपने, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर है वो बनेगी किसकी, षटकोणीय की बनेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी षटकोणीय की। लास्ट अपने पास कौन सी बचगी, लास्ट अपने पास बचगी क्या नाम है, त्रिसमंताक्ष। अब त्रिसमंताक्ष और जो घनीय है उसके अंदर डिफरेंस कितना आया है, उसके अंदर डिफरेंस जो है वो केवल और केवल इतना ही है कि जो एंगल है सारे के सारे
वो एक दूसरे के बराबर तो है लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। यानी कहने का मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, जो घनी है वैसी बनेगी, परंतु हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो वो स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी, त्रिसमंताक्ष की बन जाएगी। जैसे इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई वो किसकी बन गई, त्रिसमंताक्ष की बन गई। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है, इन सभी को एग्जैक्ट याद रखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर इन ग्रुप के अंदर से एक जरूर पूछा जाता है पैरामीटर, जैसे षटकोणीय के मापन के पैरामीटर लिखिए तो आपको ये लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एकांताक्ष के मापन के पैरामीटर लिखिए तो आपको ये लिखने होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इंडेक्स बना के और बना के दो तीन बार देखना, एग्जैक्ट याद हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है ब्रेवे जालक। नेक्स्ट जो टॉपिक क्या आता है, ब्रेवे जालक। ब्रेवे एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने क्या कुछ बताया था, तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है ब्रेवे जालक। और ब्रेवे जालक क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है और किस तरीके से ब्रेवे जालक के बारे में क्या कुछ बताया, देखो सबसे पहले मैं चलो अपने जिक्र करते हैं विषम लंबाक्ष का। और विषम लंबाक्ष की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो अभी बनवाइए आपको इस तरीके की विषम लंबाक्ष की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ये होगी विषम लंबाक्ष की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा आप एक चीज की गौर करना कि देखो SCC क्या होता है, SCC वो होता है जिसके केवल कोने पर अवयवी कण हो, जैसे कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था। तो इसका नाम अगर कण केवल और केवल कहाँ पे है, कोने पर है, कहाँ पे है, कोने पर है, तो इसका नाम हो गया विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष SCC, ठीक है। और इसी चीज के अंदर अगर अवयवी कण मैंने ये कहां पे लगा दिया, केंद्र में, तो केंद्र में लगा देते हैं तो वो स्ट्रक्चर कौन सी बन जाती है, BCC, तो इसका नाम क्या हो गया, विषम लंबाक्ष BCC। इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पे ना लगा के और प्रत्येक फलक पर लगा देता हूं, प्रत्येक फलक पर अवयवी कणों को लगा देता हूं तो इसका नाम क्या हो गया, विषम लंबाक्ष FCC, ठीक है। और प्रत्येक फलक पर ना लगा के मैं केवल और केवल किसके ऊपर लगा देता हूं, दो आमने सामने के फलकों पर लगा देता हूं तो इसका नाम हो गया विषम लंबाक्ष ECC। तो देखिए बेटा कि यानी विषम लंबाक्ष के हम कितने क्रिस्टल जालक बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, अभी हमने बना के देखे थे SCC, BCC, FCC और ECC। तो इसी तरीके से ब्रेवे जालक ने क्या किया कि ये जो 7 क्रिस्टल समूह है ठोसों के अंदर, इन क्रिस्टल समूहों की संरचना का एनालिसिस किया एक्सरे रेडिएशन से, और उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि ये जो 7 क्रिस्टल समूह है उनसे 14 और क्रिस्टल जालक प्राप्त हो सकते हैं, इकाई कोष्ठिकाएं प्राप्त हो सकती है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, अपने नाम के आधार पर उन्होंने ब्रेवे जालक नाम दिया, ठीक है, इनके आधार पर ब्रेवे जालक नाम दिया। अब ये 14 ब्रेवे जालक कौन कौन से होते हैं, किस क्रिस्टल समूह है के कितने क्रिस्टल जालक बनाए जा सकते हैं, ये ब्रेवे ने मेजर किया। तो सबसे पहले जो घनीय है उस घनीय से कितने ब्रेवे जालक बनाए जा सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर इंडेक्स के माध्यम से आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखेंगे अपने क्रिस्टल समूह है, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट सेल का नाम या इकाई कोष्ठिकाएं, इकाई कोष्ठिकाएं, यानी कौन सी इकाई कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती है, और यहाँ पे लिखेंगे संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपने देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आता है घनीय, क्या आता है, घनीय, और घनीय के कितने बना सकते हैं, एक दो बना सकते हैं, एक SCC और एक BCC, यानी घनीय इकाई कोष्ठ, सॉरी 3 बना सकते हैं, एक FCC। तो
तो गनिया के कितने बन सकते हैं? तीन बन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरा जिक्र करें किसका, द्विसम लंबाक्ष का, द्विसम लंबाक्ष, तो इसके बना सकते हैं अपने दो, एक एस सी सी और एक बी सी सी, कितने बन गए? दो। तीसरा अपने पास आता है विषम लंबाक्ष। ये वाला जो क्वेश्चन है वो पीएमटी के अंदर पूछा भी गया है कि किस क्रिस्टल समूह के सबसे ज्यादा ब्रेवे जालक बनाए जा सकते हैं, तो किसके बनाए जा सकते हैं? विषम लंबाक्ष के, एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी और ई सी सी, यानी कितने बन गए? चार। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, एकंताक्ष की, तो एकंताक्ष के अंदर दो बनाए जा सकते हैं, एक एस सी सी और एक ई सी सी। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे एकंताक्ष के अंदर दो बनेंगे, एक एस सी सी और एक ई सी सी, ठीक है, बाकी सभी के एक एक। नेक्स्ट अपने पास कौन सा आ गया? त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष का केवल और केवल एक ही ब्रेवे जालक बनेगा, वो भी कौन सा? एस सी सी। नेक्स्ट आ गया षटकोणीय। षटकोणीय के भी क्रिस्टल जालक एक ही बनेंगे, वो कौन सा बनेगा? एस सी सी। और नेक्स्ट अपने पास लास्ट त्रिसमंताक्ष, और त्रिसमंताक्ष के कितने बनेंगे? एक ही बनेगा, एस सी सी। टोटल कितने हो गए? देखिए, तीन दो पाँच, चार नौ, दो ग्यारह, बारह तेरह, चौदह, यानी कुल ब्रेवे जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। ब्रेवे जालक की डेफिनेशन को आप किस तरीके से लिखोगे, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेनी है कि सात क्रिस्टल समूहों को उनमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 अन्य क्रिस्टल जालकों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? ब्रेवे जालक देते हैं। और किससे कितने क्रिस्टल समूह बन सकते हैं, तो ये चीज अपने एग्जैक्ट तैयार करेंगे। तो आज आप अपने आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सात क्रिस्टल समूह है, सात क्रिस्टल समूह कौन कौन से होते हैं, उसके मापन के पैरामीटर क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और नेक्स्ट अपने पास ब्रेवे जालक, और किसके कितने ब्रेवे जालक बनते हैं और कैसे बनते हैं वो चीज़। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ कि द्विसम लंबाक्ष बी सी सी स्ट्रक्चर बनाओ, तो द्विसम लंबाक्ष बी सी सी स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ होगी, दो भुजाएं बराबर होगी और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है, ये ए ये बी लगभग बराबर है और तीसरी बराबर नहीं है, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर कौन सी बनानी है अपने को? बी सी सी। तो अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ केंद्र में भी होता है। तो ये अपनी आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, इसको लिखना, अच्छे से समझना, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो दोबारा से पूछ लेना। थैंक यू।